तीनों चीज ठीक प्रोपोर्शन में मिलेगा तो कई बार फायर हो सकता है। जैसे कि एक पेपर है, हवा में ऑक्सीजन भी है, लेकिन उसमें आग पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा, लेकिन उसको चाहिए कि एक परफेक्ट हीट, मतलब इग्निशन। वो इग्निशन हम जब करेंगे ये पेपर में, जब अभी पेपर है हवा में ऑक्सीजन भी है लेकिन आग की नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो हीट नहीं है। अगर वो हीट वहाँ पहुंचेगा, वो सर्टेन टेम्परेचर जब होगा तब इसमें फायर होगा, जब सफिशियंट हीट मिल जाएगा तभी इसमें फायर होगा। क्यों फायर होगा कंटिन्यू? क्योंकि ये पेपर है, तब तक फायर होगा जब तक ये मटेरियल है। जब ये खत्म हो जाएगा पेपर तब फायर नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक जो ट्रायंगल फायर का हीट कंबस्टिबल मटेरियल और आपका रिएक्टर, वो तीनों जब रहेगा तभी फायर रहेगा। जब ये बुक खत्म हो जाएगा जल के तब फायर नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। ये बेसिक है फायर के लिए, ठीक है। फायर का ये इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, फ्यूल हीट और आपका फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, ये तीनों। लेकिन इसके अलावा भी एक बोलता है फायर टेट्राहेड्रॉन, वो क्या है कि और एक उसका मतलब बोलता है कि उसका चेन रिएक्शन, अगर चेन रिएक्शन में नहीं हुआ तो फायर कंटिन्यू नहीं होगा। उसको कंबस्टिबल मटेरियल मिल, हाँ कंबस्टिबल मटेरियल मिलता जाएगा और फ्लेम जनरेट होगा, चेन रिएक्शन होगा तभी वो जलता है। अगर पेपर भीगा जाएगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वही नहीं चलता। तो ये तीनों चीज होने से तभी फायर होता है। तो फायर को बुझाने का भी सेम मेथड है, अगर ये तीनों चीज में कोई एक को हम हटा दे तो फायर बंद हो जाएगा, या तो हम ऑक्सीजन हटा दे, नहीं तो जो जल रहा है उसको हटा दे, और नहीं तो जो हीट है उसको ठंडा कर दे। ये तीनों में से कोई किसी को एक हटाने से फायर बंद हो जाए, ठीक है। तो फायर एक्चुअली हमारा इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके हिसाब से फायर होता है 6 टाइप का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ और क्लास के, ठीक है। क्लास ए क्या होता है? क्लास ए वही होता है जिसमें आपका मतलब एंड प्रोडक्ट जलने के बाद, फायर कंप्लीट हो जाने के बाद, जलने के बाद जिसमें आपका सिर्फ वो कार्बन का मटेरियल रहता है, जैसे आपका हो गया पेपर, वुड्स, ये सब जब जलता है तो उसको बोलते हैं हम क्लास ए टाइप फायर। फिर होता है क्लास बी टाइप फायर। क्लास बी में क्या होता है? जो हमारा लिक्विड फायर जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब में जब आग लगता है तब उसको हम लोग क्लास बी टाइप फायर बोलते हैं। फिर आपका आता है क्लास सी टाइप फायर। क्लास सी टाइप फायर क्या है? गैसियस फायर, एलपीजी है, सीएनजी है, या कोई भी गैस में बहुत टाइप का गैसेस है, कुछ फ्लेमेबल है नहीं है, जो भी है गैसियस कोई भी फायर होने से वो आपका होता है क्लास सी फायर। और क्लास डी फायर होता है मेटल फायर। मेटल में कुछ कुछ मेटल है जो जलता है, जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम है आपका, सोडियम है, तो ये मेटल में जब आग लगता है तब क्लास डी फायर उसको बोलते हैं, क्लास डी फायर। इसके अलावा ये चारों इंडिया में हम लोग बेसिकली मानते हैं क्लास ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और दो है, क्लास ई फायर, क्लास एफ। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसको हम लोग क्लास ई में, मतलब जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल फायर मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, ये सब में जो डीजी, मोटर्स, मशीनरी चीज, ये जो होता है इसको हम लोग क्लास ई बोलते हैं। और क्लास एफ जो है और उसको क्लास के भी बोलते हैं, किचन फायर। किचन फायर मतलब क्या? किचन का मटेरियल, आपका फैट, ऑयल, ये सब में जो आग लगता है तब हम उसको क्लास एफ और क्लास के बोलते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया अलग अलग? क्योंकि हर एक चीज का एक्सटिंग्विशिंग जो है प्रोसेस है, मेथड अलग है, इसीलिए इसको क्लास किया गया ताकि सबको याद है। सपोज मेरे कॉपी में आग लगा है तो मैं इसमें पानी डाल सकता, लेकिन मेरे स्विच बोर्ड में आग लगा है उसमें मैं पानी नहीं डाल सकता, ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए इसको एक्सटिंग्विशिंग मेथड भी जो है अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि आग बुझाने के, जैसे मैं बोला फायर ट्रायंगल में कोई भी एक हैंड को हटा देंगे तो वो आग बुझ जाएगा। तो ये जो एक्सटिंग्विशिंग है, एक्सटिंग्विशिंग आपका चार मेथड का होता है, कैसे फायर को हम बुझा सकते हैं। फर्स्ट है कूलिंग, कूलिंग मेथड। अगर जहां पर हम लोग आग लगा है, तो ये जगह पर जो आग जल रहा है यहाँ पर मैं अगर वाटर स्प्रे करूंगा तो यहाँ से जो हीट जनरेट हो रहा है आग का, वही आग क्या करेगा? कंटिन्यूस को जलाता जाएगा। लेकिन हम उसको अगर कूलिंग करते रहेंगे वो हीट को रिड्यूस कर देंगे, जो हीट में वो आग पकड़ा था तो वो आग बंद हो जाएगा। ये मेथड है आपका कूलिंग मेथड। फिर आपका आ जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है? स्टारवेशन वही प्रोसेस है कि आग जल रहा है ट्रायंगल का, हम वहां से जो फ्यूल है उसको हम हटा देंगे। सपोज टैंकी में आग लगा है, एक टैंकी में आग लगा है, ऊपर में वो फ्लेम जल रहा है, अगर नीचे से हम उसको कहीं तक ड्रेन कर दे
कम कर दे तो धीरे धीरे आग तो जलता रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो आग जलने वाला था मतलब जो एग्जॉस्ट होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। जिसको हम लोग इसको आप अच्छे से बोल सकते हो जैसे फोम, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पता है ना, फोम टाइप पेट्रोल पंप में आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या है ना पानी के साथ वो साबुन की तरह वो निकलता है, वो क्या करता है ना वो सरफेस में पूरा उसका चला जाता है। इसमें क्या होता है ना जो ऑक्सीजन है जो है उसके साथ फ्यूल का डिटैचमेंट हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है फ्यूल को, तो फ्यूल जैसे नहीं मिल रहा है तो आग नहीं जल पा रहा, इसको बोलता है आपका स्टार वेसल। फिर आपका आता है तीन नंबर में स्मूदरिंग। स्मूदरिंग में क्या है कि आपका ऑक्सीजन ये जो ट्राइंगल है इसमें से हम लोग फ्यूल हटा दिया, हीट हटा दिया कूलिंग में, और इसमें से हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे। ये भी सेम है, वही आपका फोम अगर देंगे तो आग जलने वाला जो पदार्थ है वो आपका वही केमिकल लिक्विड जो भी है वो है, लेकिन आपका उसका टच नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं घुस जाए, इसीलिए उसको हम लोग बोलता है स्मूदरिंग। और इसको छोड़ के और एक मेथड है जो है चेन रिएक्शन। इसमें हम लोग जो रिएक्शन जो हो रहा है इसका जो चेन होता है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। इसके लिए आपका ड्राई केमिकल पाउडर या ब्लैंकेटिंग जो हम लोग यूज करते हैं ये सब ठीक है। ब्लैंकेटिंग क्या होता है? ब्लैंकेट फायर ब्लैंकेट आता है उससे बैरियर लगा देता है आगे चादर के जैसा होता है, वो जो बेल्डिंग का आर्क गिरता है उस पे गिरने पे वो अपने ऑब्जर्व कर ही कर बेल्डिंग का, अगर पूरा बेल्डिंग कर दे तो आपको पता है उस साइड में शायद फैलने वाला है कि लग गए, तो वहां पे ब्लैंकेट लगा दिए मैं उसका आराम से बेल्डिंग बंद कर दिया। सो जो मेजर है तीन चीज है, पहला चीज है हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, दूसरा चीज है स्टार प्रेशर, तीसरा चीज है स्मूदरिंग। तो फायर और ये तीनों को चीज को अगर आप कंपेयर करोगे एक में तीनों चीज मिलेंगे तो आग लगेगा, और ये में एक एक चीज हम लोग हटाएंगे तो आग बुझ जाएगा। तो ये है इसका बेसिक, ये कोरिलेटेड है आपका आग लगने का जो मतलब चेन रिएक्शन है वो तीन चीज से होता है। क्या क्या तीन चीज है? कम्बस्टन मटेरियल, फ्यूल, आप लोग मत बताओ, सेफ्टी वाले मत बताओ, ठीक है? क्या क्या तीन चीज है? तो जलने वाला है। अगर कोई चीज हम लोग मतलब बता रहे हैं सारे सबको लेना पड़ेगा एक्सेप्ट, क्योंकि हर जगह में सेफ्टी वाला है नहीं सकता, मतलब हो नहीं सकता है, और हर जगह में आपको सलूशन नहीं दे सकते सेफ्टी वाला कि ये करो। तो इसलिए ये आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया जिसका अंत में जो भी कुछ गलत होता है, तो हम लोग सबको ही सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है? सबका मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है ना, तो किस लिए लगाया? सेफ्टी के लिए। तो हर चीज वैसे मानना जरूर, हम लोग बचपन से जब पैदा हुआ है तब से हर चीज हम लोग को सेफ्टी में किया जा रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है कैसे होता है, बच्चा पैदा होने के बाद आपका माँ बाप बोलते हैं उसका गर्दन को सही से पकड़ो, बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं सेफ्टी। आप जब से पैदा हुए पैदा से पूरा लास्ट तक हर चीज में सेफ्टी, उनको पता नहीं रहता ना सर, पता नहीं रहता, लेकिन उनको पता नहीं रहता, जब डॉक्टर का घर करवाते हैं सब पता रहता है सर, डॉक्टर को पता रहता है वो कैसे उल्टा कर लेता है, वो तो नहीं कहते गर्दन टेढ़ा ही चीज है ना, डॉक्टर को पता रहता है कहां पे पकड़ने से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है कि सबको सबको अवेयरनेस मिले, सबको वो तरीका पता चले, क्योंकि साइड में कोई इमरजेंसी है, आप लोग के बीच में कोई है तो वो इमरजेंसी कुछ हद तक कम हो जाए। हमको ये हम सिक्योरिटी देके नहीं बोल सकते कि ये इमरजेंसी या ये जो भी चैलेंजेस आएगा हम कम्प्लीटली उसको साइड से एलिमिनेट कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है? तो वही का मतलब एक डेंजर वो एक बार खत्म कर देगा, जला के स्लॉक कर देगा, नहीं तो वो कुछ हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते फायर, ठीक है? तो एक्सटिंग्विशर के बारे में ये मैं बताता हूँ, ये सबको पता है था फायर एक्सटिंग्विशर चलाना किसको इसको आता है? यहाँ पर ईमानदार से बताना किस किस को इसको चलाना आता है, नहीं तो बता दो भाई, ना किसी को नहीं आता है, किसको किसको आता है, किसको किसको आता है प्रॉपरली बताओ,
जिसको नहीं आता हम लोग क्या बताने के लिए, कोई ये करने का नहीं क्या जामिल नहीं आता। हाँ मुझे आता है। कौशिकता आपको आता है? तो देखो ये साइड में क्या होता है, देखो जैसे आप लोग देखा दे रही है, हम देख पा रहे हैं। तो जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं 50% लोग को आता है, 50% लोग को नहीं आता। तो ये जरूरी होता है कि हम लोग आज साइड इंजीनियर, आज साइड सुपरवाइजर, ये सारे चीज हमको आना चाहिए। ये चीज को हम लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द प्लेस में, मोस्ट ऑफ द साइड में सेफ्टी इग्नोर होता है, होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि सेफ्टी वाला को मतलब सेफ्टी वाला का काम रहता है जूता, हेलमेट, जैकेट, ये सब सोचता है। ये माइंडसेट इंडिया का बन गया है, बाहर का तो ये अलग है, लेकिन इंडिया का मतलब मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद सेफ्टी वाला हूँ। ये माइंडसेट सबका दिमाग में रहता है कि सेफ्टी वाला आता है, हेलमेट, जैकेट, जूता देख के जाता है, और वो काम सेफ्टी वाला का है ये भी सोचता है। हाँ ये सोच भी गलत है, ये सोचता है, सोचता है कि नहीं? आप लोग को भी, आप लोग को पता है यार सेफ्टी वाला आ गया तुम सीढ़ी को अच्छे से पकड़ लो, मैं तो फटक खींच के ले जाएगा। तुम परमिट बनाओ, तुम ये करो। परमिट कौन लेगा? ऊपर अविनाश लेगा परमिट, जो काम करवा रहा है इंजीनियर वो लेगा, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, अभी फायर एक्सटिंग्विशर का पता रहता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब वो स्मॉल फायर हो, बड़ा आग जल रहा है वहां पर हम फायर एक्सटिंग्विशर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। छोटा फायर के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ठीक है। इसको जानना पड़ेगा कैसे, क्योंकि सब जगह पे अभी ये दिखेगा लाल जो सिलेंडर है, अगर हम इंस्टेंट देखते हैं कि वहां पर आग लगा है, अगर बुझाने के लिए मैं 10 आदमी को बुलाने जाऊंगी किसको पता है किसको पता है, तो आग बड़ा हो जाएगा तब, और ये काम नहीं है। ऐसे बहुत एग्जांपल है पुराना, अरे ये तो आग बुझता है उधर आग लगा है चलो इसको फेंक दो, ऐसे ऐसे होता है, किसी को पता ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते, ठीक है। तो क्लास ए टाइप, क्लास